नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग खुशहाल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाहर से थोड़ा सा आवाज़ आएगा दोस्तों, माइंड ना कीजिएगा। तो दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम मेरी जेठानी की एनिवर्सरी से। तो कल उनका एनिवर्सरी था, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ क्यों ना मैं शेयर करूं। क्योंकि जो मेरा एनिवर्सरी का ब्लॉग था वो मिस हो गया था, बच्चों ने वीडियो नहीं ले पाए थे, तो ये वीडियो मैंने खुद ही लिया है। तो चलो आप लोग एनिवर्सरी का मेरा ब्लॉग इंजॉय कीजिए कि कैसे एनिवर्सरी हमने मनाया अपने जेठानी का घर में ही। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। उसके पहले दोस्तों मैं और एक चीज़ बता देती हूँ, आप ये वीडियो देखने के बाद आप लोग के साथ मैं कुछ स्पेशल शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्पफुल है, खास करके महिलाओं के लिए और बॉय के लिए, दोनों के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने आप लोग के साथ क्या शेयर किया। तो सबसे पहले आप एनिवर्सरी का वीडियो इंजॉय कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आज मेरी जेठानी का एनिवर्सरी है। तो अभी हम जा रहे हैं केक काटने, तो हो सकेगा मैं थोड़ा सा क्लिप लूँगी। तो चलो आप लोग को भी लेके चलती हूँ हॉल में, और देखो एनिवर्सरी कैसे मनाया जा रहा है। मेरे एनिवर्सरी में तो वीडियो कोई ले ही नहीं पाया, तो क्यों ना हम उनके ही एनिवर्सरी का ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग भी चलो। तो यहाँ देख सकते हैं मैं हॉल में आ गई हूँ, सामने टीवी चला है। तो ये जो चादर लगाया हुआ है, तो इसके नीचे सिलाई मशीन वगैरह कबाड़ भरा हुआ है, तो इसीलिए चादर लगा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ हो रहा है केक कटिंग। तो ये दोनों मेरे जेठ जेठानी रहे हैं, तो आज है इनकी एनिवर्सरी। तो इनकी शादी मुझे लग रहा है हो गया होगा 19-20 साल शायद। तो यहाँ केक कटिंग हो रही है, पर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी वीडियो कोई नहीं ले पाया था। तो ये जा रहे हैं मम्मी को खिलाने। तो यहाँ होता है, सब लोग बोलते हैं कि पहले आप दोनों खाओ, क्योंकि एनिवर्सरी तो आप दोनों का है, हैप्पी बर्थडे तो है नहीं, तो एक दूसरे को खिलाओ। तो यहाँ देख सकते हैं झपटी झपटा चालू था एक दूसरे के साथ। तो इसके बाद इधर मम्मी को खिलाया जा रहा है केक। तो ये है हमारी सासू माँ, और बाजू में बैठे हैं मेरे पति परमेश्वर, तो उनको भी खिलाया जा रहा है। और ये मैं वीडियो ले रही हूँ, तो आप लोग को मैं नहीं दिखने वाली हूँ लास्ट तक, क्योंकि कैमरा मैंने ही पकड़ा है। इसके बाद इधर मेरे देवर जी को खिलाया जा रहा है। तो ये रहे मेरे देवर, तो अभी ये बड़े लोग का पाँव पकड़ेंगे कि छोटे हैं। उसके बाद बारी आती है बच्चे लोग का, और इधर आई मेरी बारी। तो मैं खा तो रही हूँ पर वीडियो में बिल्कुल नहीं आ रही हूँ। सामने टीवी चल रहा है, उम्मीद है कि कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि हमने म्यूजिक को मतलब आवाज़ को म्यूट कर दिया है। बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। इधर बच्चे एक दूसरे को खिला रहे हैं, अपने पापा मम्मी को ये अक्षिता खिला रही है, और इधर रहे आर्यन। इधर देख सकते हैं सृष्टि भी है, फ़ोन लेके वीडियो बना रही है। और मेरे टाइम किसी को नहीं हुआ वीडियो बनाना, पर यही होता है जिसको वीडियो शूट करना रहता है तो वो अच्छे से शूट करता है। दूसरे को तो शूट करने के लिए तो उसका ध्यान उतना नहीं रहता है, उतना मन नहीं लगता है। अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं कैसे प्रॉपर तरह से ले रही हूँ। और इधर बच्चे अपने मम्मी का पापा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये रही हमारी माता जी, उन्हें मैं बोल रही हूँ ये रही हमारी माता जी, केक खाए जा रही हैं, तो स्माइल कर रही हैं, हंस रही हैं। और ये मेरे पति परमेश्वर उठ के चले गए कमरे में अभी। और इधर अक्षिता दिखा रही है, चाची मैंने आपका भी फ़ोटो लिया है केक खिलाते हुए। इधर बाबू हाय बोल रहा है, और इधर जा रही हैं मेरी दीदी जी फ़ोटो खिंचवाने सासू माँ के साथ, तो बोल रही हैं हमारा फ़ोटो भी खींचो। तो मैं फ़ोटो भी खींच रही हूँ, वीडियो भी ले रही हूँ, बाकी उधर सृष्टि भी वीडियो ले रही है। तो वो पूछ रही मेरे मुंह पे केक तो नहीं लगा है, तो बोल रही नहीं। तो अभी यहाँ फ़ोटो सेंशन चल रहा है मम्मी के साथ। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है उतना, तो इसीलिए दोस्तों साड़ी नहीं पहनती हैं, मैक्सी में ही रहती है, नाइटी में कम्फर्टेबल रहता है और कहीं जाना भी नहीं होता है। तो यहाँ आ गए अक्षिता के पप्पा,
तो मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और उधर सोफे पे मम्मी का नाइटी सूख रहा है, तो मैं बोल रही हूँ बच्चे लोगों को हटा दो। तो यही है हमारा सेलिब्रेशन, फैमिली बड़ी है तो थोड़ा सा देख सकते हैं चिल्लम चिल्लम हो रहा था, इसीलिए हमने आवाज़ को म्यूट कर दिया था। तो अभी केक कटिंग सेलिब्रेशन हो गया, तो अब हम चलते हैं नाश्ता करने। तो ये देखिए दोस्तों, ये है केक, ये है ब्रेड पकौड़ा, ये है मंचूरियन जो मेरे घर में स्पेशल बनता है बच्चों के लिए, चटनी, और ये है रगड़ा चाट। तो यही नाश्ता हमारा बना है, कोल्ड ड्रिंक भी है, अभी आई नहीं है, तो अब मैं ये खाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो चलो मिलती हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, अभी तक मैंने शेयर नहीं किया। तो दोस्तों, अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि क्या मैं शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों ये है ऑर्गेन्स का प्योर एंड नेचुरल प्रीमियम रोज पेटल पाउडर, रोसा इंडिका एंड नो एडिट केमिकल नेचुरल स्किन केयर। तो ये स्किन के लिए बहुत ही नेचुरल है, आपके स्किन को ये सॉफ्ट रखेगा, और अगर डस्टिंग वगैरह आपके फेस पे है तो वो क्लीन करेगा। हफ्ते में अगर आप इसे दो बार यूज करते हैं तो आप एक ही दो हफ्ते के अंदर देख सकते हैं आपके स्किन पे कितना फ़र्क होता है। तो दोस्तों, ये नेचुरल है, तो नेचुरल चीज़ें आपको कोई हानि नहीं पहुंचाती है, बल्कि फ़ायदा ही पहुंचाता है। तो अगर आपको ये पाउडर मंगाना है दोस्तों ऑर्गेन्स का, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद आप लोग को ज़रूर पता चलेगा कि इसका रिव्यू कैसा है, आपके फेस पर इसका क्या इफ़ेक्ट है, आप खुद ही बताएंगे। तो दोस्तों, इसे मैं आप लोग को चलो यूज करके अपने फेस पे अभी मैं लाइव दिखाती हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि इससे कोई हानिकारक नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम स्किन पे लगाना। तो दोस्तों, ये मैं अभी खोलती हूँ, ये देख सकते हैं अभी न्यू है, इसकी पैकेजिंग अभी खुली ही नहीं है, मैं इसे पहली बार ट्राई करूँगी अपने फेस पे। तो सबसे पहले मैं इसे खोल लेती हूँ इस तरह। तो इसे हमें एक चम्मच लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमने देख सकते हैं एक चम्मच पाउडर ले लिया है, ये है रोज पाउडर। तो इसे मैं डालूंगी एक बाउल में, मैंने थोड़ा सा ही लिया है दोस्तों, क्योंकि पेस्ट बनाने के बाद ये बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ये मैं डालूंगी, ये है रोज वाटर। तो रोज वाटर मैंने ये सेम ब्रांड लिया है ऑर्गेन्स का, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जैसे कि गुलाब जल, डाबर गुलाब, या कोई भी सादा सा गुलाब जल, या अगर गुलाब जल आपके पास नहीं है तो आप पानी के साथ भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसका लेप बनाना है, तो लेप बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी, ये है ऑर्गेन्स का रोज वाटर, ये देख सकते हैं सेम कंपनी का है, अच्छा है तो आप इसे भी मंगा सकते हो। तो मैं फिलहाल अभी यही डाल के इसका लेप बनाऊंगी, क्योंकि ये मैंने मंगाया है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये टोनर का भी काम करता है, आप टोनर के भी तरह इसे यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका लेप बना लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने लेप बना लिया है, आधा चम्मच बस मैंने लिया था, तो इतना सारा बन गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू है, प्योर रोज का पाउडर लग रहा है, पंखुड़ी का प्योर नेचुरल। तो सोच सकते हैं, जब नेचुरल फीलिंग आती है तो इसका मतलब ये नेचुरल भी फायदा करेगा। तो इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, तो मैं हाथ से ही अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे। और अप्लाई करने के बाद आप इसे 15 मिनट रखें, और 15 मिनट बाद इसे आप सादे नॉर्मल पानी से आप इसे धो लें। तो दोस्तों, हमने अच्छे से लगा लिया है, अब मैं आपको धोने के बाद मिलती हूँ, 15 मिनट बाद मिलती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो दोस्तों, मैं ठंडे पानी से अपना मुंह देख सकते हैं धो के आ गई हूँ, पानी भी सूख गया है। तो देख सकते हैं रिजल्ट इसका कितना कूल और कितना मतलब नेचुरल लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों, आप लोग एक बार ज़रूर मंगाइएगा, अपने फेस पे ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर पसंद आएगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट दोस्तों, जो कि मेरे फेस पे बहुत सारे निशान हैं, फोड़ी हैं, और जब से मैं ये यूज कर रही हूँ, पहले भी मैंने एक रिव्यू दिया था, सेम कंपनी का था, तो ऑरेंज पाउडर था, वो भी बहुत बेटर था, ये भी बहुत बेटर है दोस्तों। आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट आप मंगाइए और ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलती हूँ मैं अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय।